पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व हुए दो पक्षों के मामूली विवाद में हुए पथराव व मारपीट के मामले में पुलिस पे संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष से कार्रवाई करते हुए दो मुकदमे एक ही पक्ष के 72 लोगों को नामजद करते हुए दर्ज कर दिए हैं और 15 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के कई लोग घायल हैं। ना तो उनका मेडिकल करवाया गया है और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार पुलिस घरों में दबिश दे रही है, जिसके चलते सैकड़ों घरों में ताले लगे हुए हैं और लोग पलायन कर गए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हर तरफ घरों में लटके ताले ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोग कहीं पलायन कर गए हैं। दरअसल 19 अक्टूबर को मोहल्ला देश नगर में दो पक्षों में मामूली कहासुनी होने के बाद पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों ही ओर से लोग घायल हुए। आरोप है कि पुलिस ने उसी दिन मुस्लिम पक्ष के 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने अपनी ओर से 38 मुस्लिम युवकों के खिलाफ नामजद व 150 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और दूसरे दिन पुलिस ने एक और FIR शिवम के ओर से दर्ज की, जिसमें 34 मुस्लिम युवकों व 150 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस की एक तरफ कार्यवाही से हड़कंप मच गया और लोग घरों में ताले डालकर पलायन कर गए। आरोप है कि पुलिस ने घटना के 7 दिन बाद भी ना तो FIR दर्ज की और ना ही घायल युवकों का मेडिकल करवाया, जबकि कई युवक घायल हैं। आरोप ये भी है कि अगर कोई घर खुला मिल जाए तो पुलिसकर्मी रातों में घरों में घुस रहे हैं और महिलाओं से अभद्रता करते हैं। वहीं सपा नेता भी BJP के इशारे पर पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। एक पक्षीय कार्रवाई से मोहल्ले में सन्नाटा हो गया है। पुलिस का भय लोगों को सता रहा है। इसी के चलते आज महिलाएं SP से मिली और रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई। ये क्या नाम है आपका? आशिया। अरे यहाँ पे क्यों ताले पड़े हुए हैं? क्या वजह है? क्या हो गया? करें बताओ, पुलिस बहुत परेशान कर रही है, घरों में आ रही, नहीं ताला लगाए तो कहाँ जाए? और हमारा खाने पकाने के और सब जरूरत के सामान सब बंद है, पैसे क्या करेंगे? पुलिस भी बार बार आ रही है घरों में, लेडीज भी आ रही है। क्या कह रही है? क्यों तरह आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? कुछ नहीं है, सब एक तरफ है, एक तरफ से हो रही है, हमारी सबकी कोई सुनवाई नहीं है। आप क्यों लोग आए थे यहाँ पे? क्या वजह थी, क्यों आए थे? दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, पथराव हुआ था और क्या कहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे, हमारी तरफ के बच्चे भी बहुत टूटे फूटे हैं, हाथ पैर भी टूट गए कुछ लोगों के, और जिनको घर में घुस घुस के खींच खींच के एक एक घर से तीन तीन बच्चों को और आदमियों को खींचा। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। आज पूरे 7 दिन हो गए हम लोगों को परेशान घूम रहे हैं और घरों में ताले डाले। FIR लिखी पुलिस ने? ना ना, कोई FIR नहीं लिखी गई हमारी। तो आज किससे मिले? SP साहब के पास आए थे कि हमारी सुनवाई हो, हमारी कुछ मदद हो, हमें इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नंगी हुई तब उन्होंने लोगों का ध्यान हटाने के लिए देश नगर में जानबूझकर एक ऐसी नाखुशगवार वाकया कराने का काम किया जो हमारे जिले के लिए कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारा जनपद भाईचारगी की एक मिसाल है। यहाँ कभी 86 को छोड़ कर के कभी भाईचारगी में कोई गंदगी पैदा नहीं हुई। यहाँ तक के जब अयोध्या कांड हुआ तब भी पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा, लेकिन पीलीभीत हम गर्व के साथ कह सकते हैं, फख्र के साथ कह सकते हैं अपनी जनता से कि जनता ने तब भी अपना धैर्य नहीं खोया। आज ये लोग जो है ध्यान बटाने के लिए लोगों का धैर्य खुवाने के काम कर रहे हैं। हमने अपने सपा के दल को भेजा, हमने अपने नेताओं को भेजा, लोग दोनों तरफ के लोगों से बात की है। प्रशासन अगर किसी के दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रहा है उसको भी हम लोगों ने गंभीरता के साथ लिया है। और दर्ज नहीं हो रही है उसकी और एक तरफा कार्रवाई हो गई, किस तरह का मामला था, क्या आश्वासन दिया? यहाँ विवाद हुआ था देवनगर घोड़ी में दशहरा के दिन रात्र में, आपस में जो है हिंदू और मुस्लिम लोगों का, जिसमें जिस पक्ष को चोट लगी थी उनकी तरफ से FIR पंजीकृत करके उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 14 लोगों को। रात्र में मुस्लिम पक्ष से कोई एक भी व्यक्ति नहीं आया। वो दूसरे दिन लाए तहरीर, तो उनकी तहरीर को भी पुलिस ने जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है पुलिस के द्वारा, उसमें उनको समाहित कर दिया गया है। जो भी फैक्ट होगा, जो असली दोषी होंगे, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों मुसलमान पक्ष के, उन्हीं को ही पकड़ करके बंद किया जाएगा, किसी निर्दोष का चलान नहीं होगा।
पुरुष जो है वो नहीं रह पा रहे हैं, पुलिस बार बार उनको परेशान कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। उसके बाद से कोई जो है इस तरीके की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है।